टीवी सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, आप हमेशा ये सोचते होंगे कि हम इन्हें सुपरस्टार एक्ट्रेस क्यों कहते हैं। आगे जब आप हमारी ये स्टोरी पूरी सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम इन्हें सुपरस्टार क्यों कहते हैं। भाई आजकल अक्षरा सिंह दबंगई के मूड में है। जी हाँ, दबंग दामाद की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन दबंगई उनके सिर चढ़ी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षरा सिंह ने क्या नया किया। नया तो उन्होंने बस दरभंगा के स्टेज शो पर वो कुछ बोल कर दिया है जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। जी हाँ, अब तो आजकल अक्षरा सिंह का हर स्टेज शो विवादों में रहने लगा है, कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है। लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि अक्षरा सिंह ने क्या किया ऐसा, तो हम आपको बता दें कि भरे मंच पर लोगों के बीच में अक्षरा सिंह ने दहाड़ते हुए कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के आधे मर्द मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे। अक्षरा सिंह की कामयाबी, अक्षरा सिंह की फैन फॉलोइंग उन मर्दों को हजम नहीं हो रही है। भाई अब ये उन मर्दों को कौन हो गया? अब आप समझ चुके होंगे कि कभी पवन सिंह जो उनके दिल की धड़कन हुआ करते थे, आजकल पवन सिंह बगावती सुर में है अक्षरा सिंह के साथ। इसीलिए ये सारा कुछ पवन सिंह की तरफ ही इशारा कर रहा था। अक्षरा सिंह यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने एक और इल्जाम पवन सिंह पे लगाया। पवन सिंह पर ये इल्जाम लगाया कि हाल ही में अक्षरा सिंह का एक बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग आने वाला था और वो भी भोजपुरी के माने जाने यूट्यूब चैनल पर रिलीज होने वाला था। लेकिन पवन सिंह ने ऐसा दबाव डाला उस यूट्यूब चैनल के मालिकों पर कि वो सैड सॉन्ग रिलीज ही नहीं किया गया। इसके पीछे जब रीजन पूछा गया तो उन्होंने कुछ बेतुका रीजन बता दिया, लेकिन अक्षरा सिंह ने बताया कि इसके पीछे कोई और नहीं पवन सिंह थे जो कि उनका गाना रिलीज नहीं करने देना चाहते थे। लेकिन अब वही गाना एक पंजाबी यूट्यूब चैनल रिलीज कर रहा है, उनका वो सैड सॉन्ग। यहाँ पर आपको हम बता दें कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह का नाम लिए बगैर पवन सिंह पे इल्जामों की बरसात कर दी। यहाँ पे अक्षरा सिंह अपने फैंस के प्यार और दुलार से काफी खुश भी हुई और उन्होंने कहा कि अपनी यही कृपा अक्षरा सिंह ने जाते जाते ये तक कहा कि अगर उनकी फैंस और ईश्वर ने चाहा तो आगे वो नित नई बुलंदियों को जरूर छुएंगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।